आप तो बड़े हैं, अब आइए बैठिए हमारे साथ। सब यहीं बैठे हैं। नहीं शुभम, मैं यहीं ठीक हूँ, आप सब शुरू कीजिए। दादा यहाँ सर्व कीजिए। नहीं प्लीज छोटन, मुझे नहीं खाना है। खा लो नहीं तो वीक हो जाओगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी और हमारा काम बढ़ेगा। खिलाइए सर। नहीं शुरू से ही तमीज से रहती ना तो आज ये जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। इसकी वजह से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अगर है तो मेरे ही परिवार का हिस्सा ना। इतनी भी समझ नहीं है, जिस घर में अर्शी की शादी होने वाली है उसी घर में उद्धम मचा रही हो तुम, और ये सिंदूर, बेशर्मों की तरह सिंदूर लगा के घूम रही हो सबके सामने। पति है कहाँ तुम्हारा? उसका चेहरा तो अभी तक किसी ने नहीं देखा। उसका फोन भी नहीं लगता। अनिरुद्ध, तुमने जो नंबर दिया था वो कभी कनेक्ट ही नहीं होता। आंटी वो क्या है ना, जब भी मैं कोशिश करता हूँ उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है, पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। ट्राई करने की जरूरत नहीं है सृष्टि मासी, वहां से कभी कोई फोन नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? इसका जवाब भी सर जी ही देंगे।